तो चलिए हम भी भर देते हैं आपकी जिंदगी में खुशी। लेकर हाजिर हैं हम एंटरटेनमेंट की एक गुड न्यूज़, यानी हमारा अगला सेगमेंट जहां पर हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने की इनसे एक खास मुलाकात। तो कौन है ये सितारे, चलिए ले चलते हैं आपको सीधा इनके पास। संग बॉलीवुड की सैर। सलमान अर्शी का नच बलिए। खो जाओ बॉलीवुड की दुनिया में। अर्शी खान आ पहुंची है मुंबई के फिल्म सिटी के बॉलीवुड पार्क में, जहां है एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड। यहां वो सभी सितारे हैं जिनके आप फैन हैं, और हाँ फेमस फिल्मों के सेट भी यहाँ बनाए गए हैं। भाई बॉलीवुड पार्क में आकर अर्शी भी हो गई है पूरी फिल्मी। यहाँ उन्होंने सलमान के डुप्लीकेट संग डांस किया, सभी फिल्मों के सेट पर घूमी, पीके और डॉक्टर गुलाटी संग की बातचीत और मस्ती लिया, खाने का मजा और साथ ही किया ढेर सारा धमाल। तो आज सास बहू और बेटिया में अर्शी खान संग आप भी कर लीजिए इस बॉलीवुड पार्क की सैर। कहाँ क्या है और इसमें क्या कुछ है खास, खुद अर्शी खान से ही जानते हैं, क्योंकि आज ये करवाने वाली हैं इस बॉलीवुड पार्क की सैर। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस एंटरटेनमेंट भरी जर्नी की। हम हैं फिल्म सिटी बॉलीवुड पार्क में, और बॉलीवुड और अर्शी का बहुत पुराना नाता है, तो आज ये नाता लोगों को भी हम बताएंगे और पूरा बॉलीवुड पार्क घूमेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, और आज मैं देखूंगी अंदर से कि यहाँ पर क्या क्या लोकेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और लोगों कुछ लोगों को हम परेशान भी करने वाले हैं आज। क्या लग रहा है कैसा होगा, क्या सोचा है? बॉलीवुड पार्क है और फिल्म सिटी के अंदर बना हुआ है, बॉलीवुड पार्क है तो भाई अच्छा ही होगा और मज़ा आएगा मुझे तो देखने में, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अलग 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 देखने को मिलेंगी जो हमने आज तक नहीं देखी हैं। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वॉल ऑफ स्टार्स है। वाओ, माय फेवरेट शाहरुख। आहा, सलमान का है सलमान। अच्छा बंदूक मार, यहाँ भी कट्टा लिए हुए हैं आपका स्वागत के लिए। वाओ, दो है सिंघम, अजय देवगन साहब, और ये अपने गब्बर। वाओ दैट्स ग्रेट, सिंघम तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे बॉलीवुड पार्क में, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये एक जगह है जहाँ पर आप अपने पिक्चर ले सकते हैं और अपना मुंह आगे पीछे कहीं भी ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, मतलब आज आप पूरा बॉलीवुड देख सकते हैं यहाँ पर कि बॉलीवुड में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कौन सी लोकेशन चाहिए हमको, यहाँ सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। एंटर करने वाले हैं फिल्म सिटी के अंदर, जो कि बॉलीवुड पार्क फिल्म सिटी है। सो मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर गुलाटी, जो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हिल क्यों रहे हैं आप इतने ज़्यादा? थैंक यू।
बट आई लव क्रेडिट कार्ड ना, मैं ना आपका ना बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे एसी और कूलर हो। तो मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना था कि बारिश का मौसम आने वाला है तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर गिरती है? वो तो डिपेंड करता है अपनी नजर नजर पे कहाँ गिरती है। मत बोलिए, है मैं बताऊँ कहाँ पर गिरती है? भारत में सबसे ज्यादा बारिश है ना जमीन पर गिरती है। वाह, मैं सोचती हूँ कि बाल्टी वाल्टी लगा देना चाहिए, वहाँ भी गिरती है। दैट्स व्हाई। बड़ी क्यूट है, तो मैं शायरी बोलना चाहूँगा, अर्ज किया है, कर दो। कि आपके स्माइल में क्या चमक है, मेरे पेस्ट में नींबू और नमक है। गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं खूब सारे ड्रेसेस, मतलब जो आपने सारी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवीज में अच्छे अच्छे अदाकारों को पहनते हुए देखा होगा। ये देखो, वो गाना है ना, चुम्मा चुम्मा दे दे। ये देखिए, ये किमी काट कर ने वाला ड्रेस पहना था। सो आप अगर पहनना चाहते हैं यहाँ पर, तो आइए और देखिए हमारे बॉलीवुड पार्क सिटी को। एंड दिस वन माई फेवरेट श्रीदेवी हवा हवाई, जो इतना अच्छा वी 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 वी। तो ये श्रीदेवी ने पहना था हवा हवाई में। एंड हमारी दीपिका पादुकोण, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी में ड्रेस पहना था, नजर लागी मैं दीवानी हो गई, समथिंग लाइक दैट, वेरी नाइस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे ड्रेसेस हैं, पुलिस वाले भी ड्रेसेस हैं। अकबर बादशाह, आई लव अकबर। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है, ये बिल्कुल राजस्थान का जो हमारा शीश महल है, बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट वैसा ही है। सो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, काफी खूबसूरत यहाँ पर ये कुर्सियां लगी हुई हैं, जहाँ पर राजा बैठते, रानियां भी बैठती हैं, और मैं बैठने वाली हूँ। मतलब मैंने सोचा तो मेरी शादी होगी तब मैं ऐसे बैठूंगी, लेकिन ठीक है, अच्छी लग रही होंगी मैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाया है, ऊपर वो देखिए झूमर कितना अच्छा लगा है रेड कलर का, एंड सारे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं इन्होंने। सबसे पहले हम गोलमाल वाली बाइक पर बैठेंगे, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आगे कौन बैठा था, मुझे पता नहीं है, लेकिन चलती है क्या? हाँ, रेंट पर मिलेगी क्या? मैं इस पर शिल्पा को, शिल्पा शिंदे डेफिनेटली, और किसको लेकर जाऊंगी मैं? तो सलमान को लेकर जाऊंगी यार, मस्त माल है वो, मस्त माल है वो, मस्त माल है वो। वहां पर तो मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर जाऊंगी, जो गोलमाल वाली बाइक है, लेकिन यहाँ पर किसको टांगना चाहूंगी मैं? मतलब आप देख सकते हैं ये गब्बर वाला लोकेशन है, इधर उसको ही बनवाऊंगी जिसने मुझे बड़ा परेशान करके रखा था, मटर माइंड। तो गाइज अभी हमने ये देख लिया है, अब हम आपको दिखाएंगे बाहुबली के नगाड़े। सो मैं उस पर क्या ऐलान करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। एक ही उठाती हूँ, देखती हूँ कितना हैवी है। ओ माई गॉड, बचता भी है। सो गाइज मैं सिर्फ माहौल देख सकते हैं, जो आपने उनका पिक्चर देखा होगा, जो यू नो मूवी का जो मेन पोस्टर था, जहाँ पर आमिर खान यहाँ पर बीच में बैठे हुए थे और ऐसे देख रहे थे, फुल वही सीन है। सो गाइज आप इसको भी यूज कर सकते हैं और अच्छे अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो
गाइज आप देखें यहाँ पर कितनी सारी मूवीज के पिक्चर्स हैं और बड़े बड़े सितारे लाइक जूही चावला एंड सनी देओल, माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, सब की पिक्चर्स के यहाँ पर आपको पिक्चर्स के पोस्टर दिखेंगे। जो आप भूल गए वो भी याद आ जाएगी आपको। सो गाइज ये सबसे ज्यादा फेवरेट जगह है मेरी बिग बॉस की जेल। सो यू नो ये जेल जो है ये काफ़ी चीज़ें मुझे याद दिलाती है, जितने दुश्मन थे मेरे सबके बारे में उतनी यादें मेरी ताज़ा हो चुकी है। ऐसा ना सोचे कि मैं उनको भूल गई हूँ, मेरे जहन के अंदर आज भी वो ज़िंदा हैं। सो गाइस देखें यहाँ पर आप जेल का भी लुत्फ ले सकते हैं, बड़े लोग तो जेल जाते ही हैं यार। अच्छा आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, डेफिनेटली देखी होगी आपने, लेकिन आप देखिए ये लोकेशन देखकर आपको वो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, वाओ देखिए ऊपर मुझे सबसे पहले झूमर पे ही नज़र जाती है और काफ़ी खूबसूरत झूमर है और मैं यहाँ पर बैठूँगी। मैं सेट पे तो नहीं जा पाई लेकिन यहीं पर बैठ के मैं अपने दिल को खुश कर लूँगी। सो गाइज बहुत खूबसूरत है ये लोकेशन और आप जब आएंगे तो आप काफ़ी लुत्फ़ उठाएंगे इस चीज़ का, आपको काफ़ी मज़ा आएगा एंड आपकी जो भी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी मूवीज़ को लेकर, चाहे वो पुरानी मूवीज़ हों, चाहे 90s की मूवीज़ हों, चाहे अभी की मूवी हों। तो कैसा लग रहा है यहाँ, एकदम बाजीराव मस्तानी वाली ऐसे मस्तानी वाली फीलिंग आ रही है अर्शी? मैं तो वैसे ही अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझती हूँ, मेरा तो अगर घर पे भी बैठी हूँ बेड पर भी हूँ तो मैं अपने आप को महारानी, तो यहाँ तो आकर मुझे और ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है एंड वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत मज़ा आया है देखकर एंड आई होप आप लोग भी आएंगे, आप लोग भी बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और आगे के प्लान्स, अभी तो हम काफ़ी और चीज़ें जो देखेंगे हम आगे जाके, लेकिन अर्शी के लाइफ के प्लान्स अगर आगे की बात करें तो और क्या क्या देखने मिलने वाला है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या पाइपलाइन है? लेकिन अभी स्टार्ट होने वाली हैं और इंशाल्लाह अभी दो वेब सीरीज हुई मेरी रिलीज़ हुई और वो बहुत अच्छे लेवल पे, अच्छे अच्छे लोगों ने उसको मेरे काम को बोला कि अर्शी खान ने अच्छा काम किया है, लेकिन मैं थोड़ी सी अभी चूज़ी हो गई हूँ तो अच्छा काम करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे देखने में। अब मस्तानी, अब सलमान खान तो हमको काम देंगे नहीं तो भाई अब क्या कर सकते हैं, शाहरुख ही दे दें। हाँ शाहरुख तुम ही दे दो, सलमान तो देंगे नहीं ना। अच्छा दे देंगे, उनकी मर्जी होगी। तो ये हमारा जो लोकेशन आप पीछे देख रहे हैं ये फुल जोधा अकबर है एंड आप देखिए ये फुल कम्प्लीटली जोधा अकबर। भाई यहाँ पर जोधा अकबर से लेकर बाहुबली तक के सेट बनाए गए हैं और इस बॉलीवुड पार्क को खूब अच्छे से सजाया गया है, तो आइए देखते हैं इस क्रिएशन के पीछे आखिर कौन है। काफी लोग आते हैं देखने के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है जो आपने मूवीज में देखी है, लेकिन आप जानते हैं कि इन सब चीजों को करने के पीछे कौन बंदा है? ये देखिए संतोष जी जो कि खुद एक मराठी एक्टर हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत से ये सेट बनाया लोगों के लिए। सो संतोष जी बताइए क्या आपके माइंड में क्या था जो आपने ये सब बना दिया? मैं जब मुंबई में पहली बार आया था ना तो 2-3 दिन तक मुझे फिल्म सिटी के अंदर नहीं आने दिया। बदला है ये? बदला समझ लीजिए, तब मैंने ये सोचा कि यार एक आम इंसान को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो उनको क्या किस तरीके से इसमें एंट्री किया जाए, इसलिए मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी से विनंती किया कि ऐसा कुछ टूर होना चाहिए जो शूटिंग को डिस्टर्ब ना करे और लोगों को देखने को मौका मिला। अब बारी है बाकी का बॉलीवुड पार्क घूमने की। अब हम जा रहे हैं बॉलीवुड थिएटर में जो कि 360 डिग्री सिनेमा है एंड आपको मज़ा आएगा देखकर बिकॉज ये मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और इसका लुत्फ उठाने वाली हूँ। ऐसा क्या, वाओ किधर से? अच्छा इधर से। अरे बाबा वेरी नाइस, वाओ आइए 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 आइए, मैं बैठूँ क्या, कुछ चलेगा क्या? कम गब्बर एंड सिंघम सिट विथ मी, चश्मा है यहाँ पे। सो गाइज मेरे छोटे छोटे दो दोस्त हैं जो एक सिंघम है एक गब्बर हैं। गब्बर तुम्हारी नियत ख़राब नहीं हुई? सो
हम लोग अब देखने वाले हैं अच्छा सा कुछ, क्या देखने वाले हैं वैसे? अरे मुझे लग रहा है सच में मैं यहाँ हूँ। ओह गॉड, ना 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 ना। मेरी तो मैं क्या बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा था सच में मैं बैठी हुई हूँ। तुम लोगों को डर नहीं लगा? मुझे कितना डर लगा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं गिरने वाली हूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंस, मेरा सबसे बेस्ट रहा है अभी तक, मतलब मुझे मज़ा आ गया। एंड गाइस प्लीज़ आइए और यहाँ का लुत्फ, मैं बार बार बोल रही हूँ, उठाइए। ये सबसे बेस्ट सेक्शन था। गाइज अब हम आ गए हैं वैक्स म्यूजियम में और अब यहाँ पर मुझे मिलेंगे अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, सलमान साहब। अमिताभ बच्चन साहब की हॉट सीट पर बैठना है अब तो। जादू को हाँ लाइट मिल रही है तभी जादू आराम से खड़ा हुआ है, रोशनी मिलती है तो उसको वो मिलता है ना, क्या पावर मिलता है, पावर। बहुत जताते हो चाह हमसे करोगे कैसे निभाओगे। नेक्स्ट, ओ ठाकरे साहब। सो गाइस ठाकरे साहब हैं तो डेफिनेटली इज्जत बनती है और हमारे ठाकरे साहब हैं, हम इनसे कभी मिल नहीं पाए लेकिन इज्जत दिल से है। क्रिश हाय ऋतिक, हाउ आर यू बेबी? देख सकते हैं आप ऋतिक यहाँ पर खड़ा हुआ है, इतना क्लोज तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। हाय ऋतिक। मोदी साहब भी यही हैं, हमारे मोदी साहब। ऐसे कभी मौका ना मिले ऐसे करने का यहीं कर लेती हूँ। सो हमारे सीएम साहब यहाँ पर है। सर कैसे हैं आप? सर आप भी। सो हमारे सीएम साहब है, इनको भी इज्जत भाई। मोदी साहब को भी डेफिनेटली, हमारे प्राइम मिनिस्टर है भाई। चलो और कौन है? सचिन तेंदुलकर। हाँ बल्ला लेकर खड़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, मार देगा। हाय सचिन, हाउ आर यू? नहीं बात नहीं करना चाहता। ओ माय गॉड, अमिताभ साहब, अमिताभ बच्चन साहब। सो गाइस मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं अमिताभ सर। आवाज ये इन्हीं का वो है क्या? सर कैसे हैं? सर ऐसे क्यों बैठे? सर आप ठीक हैं? हैंडसम लग रहे हैं वैसे, कुछ भी कहो। हाँ बात नहीं करना चाहते हो? देखिए काफ़ी हमारे इंडस्ट्री की काफ़ी खूबसूरत यू नो अदाकारा हैं जो सब मानते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन। आप इनकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। मैं जब बिग बॉस से निकली तो सबसे ज़्यादा मुझे अवार्ड से नवाजा गया है, वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एंड ये दादा साहेब हमारे ये हैं, दो दादा साहेब गोविंद फाल्के। सो आप इनकी भी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। ऋतिक रोशन, आय हाय ये देखो ऋतिक यहाँ पर। अन्ना हजारे जी को भी देख सकते हैं, देखिए। आमिर खान का स्टैच्यू, आमिर, हाय आमिर, हैं? करंट लगा क्या? अरे काट टुकुर टुकुर देखा था, हमको पहचाने ना, हम पीके पीके।
कहाँ गोला में आया? अरे हमरे गोला में बॉलीवुड पार्क का बहुत चर्चा चल रही थी, ये खातिर यहाँ रिसर्च करने आया। अरे हमारा फ्यूज ही उड़ गया। अरे यहाँ बहुत धमाल मस्ती होता है। अरे यहाँ लेडीज का फैशन अलग है, जेंट्स का फैशन अलग है, हम दोनों पहन लिया। आप साड़ी भी ट्राई करो। हाँ पक्का पक्का। अरे हमको जो पहनाएगा हम पहन लेगा, हम एक मैजिक भी दिखाएगा आपको। दिखाइए। हम यहाँ के मैजिक भी सीख गया हूँ। हाँ ये देखा, इसमें कुछ है? कुछ है इसमें? चेक कर ला, चेक कर ला, चेक करा, कुछ है? नहीं ना। ओके वाह, ओह माय गॉड, पीके तो मैजिशियन है। हाँ एक बार फूका, थूका थूका नहीं। हाँ एक मैडम को बोला फूको तो उनको सुने मैं थूको, तो थूक दिया। थूकने का नहीं, फूकने का। और एक बार बोलना पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। और एक बार फूका, थूका नहीं। हाँ चल ओपन करा, अभी ओपन करा, आपका ओपन करा। सो गाइज अब हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से सितारे हमारे लिए परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो हाय एवरीवन, हेलो, हाय आवाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप मज़ा आ रहा है आप लोगों को। हाँ ठीक है, अभी हम आ गए और मज़ा आएगा। मगर ये बुलंद शहर से नहीं है। आप बड़े क्यूट हैं, आप बड़े हॉट हैं। बिग बॉस जाते हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। कमाल करते हैं, नहीं करेंगे। भूल गए बिग बॉस में? भूल गए। हाय अल्लाह, कमाल करते हो। ओह माय गॉड, इनको देख के सच में मुझे सलमान की याद आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सच में। आप जिस तरीके से एंटर किए हैं, मतलब यू नो सलमान भी ऐसे ही आते हैं। कमाल करते हो, प्यार से तेरे रख लो, वरना बिग बॉस में फिर से बुला सकते हैं। बुलाया ना, गई नहीं मैं। चलो निकलो, अभी निकलने की क्या बात है इस पे में? सच में सलमान का फील दे रहे हैं तो मुझे। हाँ क्यों नहीं, मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ पर समझ में नहीं आता। सर मैं सोचती नहीं हूँ। ढेर सारे सितारों से मिलने के बाद अब पेट पूजा तो बनती है ना, तो अर्शी खान सीधा पहुंची इस कैंटीन में खाने यमी यमी फूड। सो गाइस हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, यहाँ पर सिर्फ घूमना ही नहीं है, यहाँ पर खाना भी है। तो अब चलिए हम आपको बॉलीवुड कैफे में लेकर चलते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीजें खाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये जगह जो है वो हमारे इंडियन आर्मी कैंटीन्स जो होते हैं वो सेम वैसा ही बनाया गया है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे जो बिपिन रावत जी हैं, जितने मेडल्स मिले उनको, सब जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं यहाँ पर, जो आर्मी में आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो जिनको आप सही तरीके से जानते नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं आप आकर। और देखिए यहाँ पर जो बैठने की जो चेयर्स हैं वो भी पूरी आर्मी का लुक ही दिया गया है। देख सकते हैं आप, सैंडविचेस आए हैं हमारे लिए, ग्रिल सैंडविच। और क्या लाएंगे हमारे लिए इसके अलावा? पिज़्ज़ा लाएगा और कुछ पीने में। हाँ और हाँ हाँ केसर पिला दे,
ठीक है। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और भूख लगने के बाद भी, खाने के बाद अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, छोटा नहीं है। आप पूरा दिन दे दीजिए इस जगह को आकर। सो गाइज अब हम चलते हैं, और मैंने जैसा कि आपको बोला कि अब हम गोवा का भी लुत्फ उठाएंगे यहाँ पर। सो मैं आपको गोवा दिखाती हूँ फिल्म सिटी के अंदर, देख सकते हैं आप। दिखाइए दिखाइए, ओ वाह वाह वाह, गोवा मतलब फेमस फॉर सी फूड। हाँ, आई लव सी फूड। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा, यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, हमारे जासूस चारों तरफ फैले हैं, सीसीटीवी निगरानी। देखिए आप चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। एक मुझे बहुत अच्छा पसंद आया यहाँ पर, मैं झुकेगा नहीं साला, यूज डस्टबिन। ठीक है, क्या लिखा है, सिक्का गिरने पर आवाज़ होती है, उठाते वक्त नहीं, जोधा अकबर। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। तो आप ये सब चीज़ें भी यहाँ पर डायलॉग यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे इंडिया की सबसे बेहतरीन फिल्म में गिनी जाने वाली जगह, जो कि प्रभास की मूवी बाहुबली। वो हम आपको सेट दिखाते हैं। सो देखिए कितना खूबसूरत सेट है, और मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी जाने की कोशिश कर, नो एंट्री लिखा है वैसे भी उन्होंने। सो गाइस देखिए काफ़ी खूबसूरत है, और ये पूरा बाहुबली है, बाहुबली का सेट है, और जहाँ पर अपनी कौन सी माँ थी, वो नाम याद नहीं यार, महेशपति, वो ऊपर से हाथ हिलाती थी। सो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो देखिए अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे दिन का जो मज़ा आया है यहाँ पर आकर, वो आप भी उठाइए और आइए और अपना पूरा दिन स्पेंड कीजिए। जो जो बॉलीवुड से प्यार करते हैं वहाँ, उसकी हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। देखा आपने, कुछ ऐसा है बॉलीवुड पार्क, जहाँ है एंटरटेनमेंट भरपूर, यहाँ सेल्फीज भी ले सकते हैं, और यहाँ आकर बोरियत हो जाएगी गायब, क्योंकि अर्शी ने तो यहाँ आकर खूब एंजॉय किया। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।